बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रचारक हिंदू तख्त वीरेश शांडिल्या ने आज शक्तिपीठ ज्वालामुखी में दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। पुजारी लव शर्मा ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई। मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें माता की चुनरी भेंट की गई। गणेश शर्मा द्वारा उन्हें माता की तस्वीर भी भेंट की गई। वीरेश शांडिल्या ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने जो पाकिस्तान को कोविड वैक्सीन देने का निर्णय लिया है वह सरासर गलत है और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इसका पुरजोर विरोध करता है। पाकिस्तान धोखेबाज है और उसने बॉर्डर पर हमेशा हमारे जवानों को मारा है। कितने ही हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के जवान शहीद हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और भारत की अमन शांति को खराब करने का मौका ढूंढता रहता है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने हमेशा भारत का बुरा ही चाहा है और माहौल खराब किया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई दया नहीं करनी चाहिए, उस पर तो एक और एयर स्ट्राइक करनी चाहिए और सबक सिखाना चाहिए ताकि बॉर्डर पर खोए हुए हमारे जवानों की पीड़ा को कुछ हद तक कम किया जा सके। आज मैं अपने कुलदेवी माता ज्वाला जी के यहाँ शीश नवाने आया और सारे देश की सुख समृद्धि की कामना करने आया। मैं देवभूमि की धरती को भी प्रणाम करता हूँ, ये देवभूमि है, यहाँ भी सुख समृद्धि बनी रहे। साथ ही मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की भी मैंने कामना की। बड़े लंबे समय के बाद इस तरह का जो है देश को प्रधानमंत्री मिला जिसने विश्व में भारत की आन बान शान को मजबूत किया। मोदी जी, 2014 का विषय हो, 2019 का विषय हो, देश की जनता ने आपको एक तरफा वोट दिया, देश के किसानों ने आपको एक तरफा वोट दिया। आज मैंने दुआ की माता के आगे, शीश नवा के ज्वाला जी मैया के आगे कि किसानों की और सरकार की जो बात है जल्द जो है इसका समाधान निकले। और मैं आज इस पवित्र धरती पर, देवभूमि पर ज्वाला मैया जी की चरणों में हाजिर नाजर होंगे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे मांग करता हूँ। सरदार पटेल जो हैं गुजरात की धरती से आते हैं, बापू गांधी गुजरात की धरती से आते हैं, ऐसे आप भी गुजरात की धरती से आते हैं जिन्होंने विश्व का भारत में जो है नाम रोशन किया। आप किसानों के बीच जाइए, आपके सिवा इस मामले को, इस किसानों के मुद्दे को कोई हल नहीं कर सकता। साथ ही दूसरा एजेंडा मेरा, हमारे रोज जवान बॉर्डरों पर शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान अपनी अच्छी हरकतों से बाज नहीं आता, पाकिस्तान की ISI अपनी अच्छी हरकतों से बाज नहीं आती, पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे 26/11 के सरगना जो मुंबई हमला था उसके आफिस सैयद हो, ये लोग पैदा ही हिंदुस्तान को खंडित करने के लिए, हिंदुस्तान की अमर और शांति को खंडित करने के लिए। ऐसे में जब कभी जवान बॉर्डर पर हिमाचल का शहीद होता है, कभी हरियाणा तो कभी पंजाब, कभी UP तो कभी राजस्थान, कभी उत्तराखंड, तो मैं आज जो मुझे कल बड़ा दुख हुआ, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय अपना फैसला वापस ले, जो पाकिस्तान को कोरोना की वैक्सीन जा रही है, जो शहीद उन शहीदों के साथ बड़ा भद्दा मजाक है जिन शहीदों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान के जवानों को मौत के घाट उतारा, उन पाकिस्तानियों को बचाने के लिए हम कोरोना की वैक्सीन भेजेंगे, मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारा एंटी टेररिस्ट इंडिया इसका विरोध करता है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा।